बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम वेलकम बैक टू दिस सेशन। इन द प्रीवियस सेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी वर्किंग आवर्स, डेली वर्किंग आवर्स, वीकली वर्किंग आवर्स एंड द पेमेंट एंड कंडीशंस, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, देयर कंडीशंस एंड टर्म्स। उधर फिर हम लोगों ने देखा था कि ओवर टाइम की कैलकुलेशन किस तरह होती है, बेसिक पे की इंपॉर्टेंस हमने देखी थी, और ये एक्सप्लेनेशन को जरा हम, ये जो एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग द ओवर टाइम कैलकुलेशन, और ये एक्सप्लेनेशन मौजूद है इसमें सेक्शन 68 में, सेक्शन 68 के आखिर में इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अच्छा, ये तो बात हुई वर्किंग आवर्स की, कोई और चीज़ जो हमने ऊपर मिस की हो उसे हम जरा क्विकली देख लेते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। हम ये डिस्कशन कर रहे थे यहाँ 57 तक हमें देख लिया था। अब एक और चीज जहन में आती है, एक और चीज जहन में आती है, क्योंकि वर्कर ओवर टाइम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, कंपनी यही चाहेगी, फैक्ट्री के जो भी करता रहता है वो यही चाहेंगे कम से कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाए। तो ओवर टाइम में अभी आपके पास क्या चीज आ रही है कि एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा अगर कोई काम करेगा तो उसे ओवर टाइम पे किया जाएगा, 9 घंटे से कम काम करेगा तो ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा, यही है कंडीशन, सही है। अब इसको समझने के लिए फिर हम देखा कि दिन की डेफिनेशन क्या है। दिन की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिन की डेफिनेशन है 24 घंटे, और कब से शुरू हो रहे हैं, मिडनाइट से, 12 बजे से शुरू हो रहे हैं, रात के 12 बजे से। अब नाइट शिफ्ट में क्या होगा, नाइट शिफ्ट में क्या होगा, आमतौर पर कितने बजे शुरू होती है और कब तक चलती है, आप लोग एक रफ, एक वाइल्ड गैस क्या है, क्या अंदाजा है आप लोगों का, नाइट शिफ्ट्स कब शुरू होती हैं, कब खत्म होती हैं? रात के 10 बजे से सुबह 10 बजे तक, ठीक है, रफली अगर रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक नाइट शिफ्ट शुरू होती है। आमतौर पर वैसे देख लें कि सुबह 10 बजे तक कोई नाइट शिफ्ट चलती नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, जब आप फैक्ट्री में वर्कर से बुला रहे हैं 8 बजे ना, तो 8 बजे से पहले पहले आपको नाइट शिफ्ट खत्म करनी होती है, 8 बजे से पहले आपको खत्म करनी होती है। अच्छा, अब इसमें प्रोविजन यह आ सकता है कि अगर आपने 8 बजे से पहले खत्म किया है और रात में आपने 10 बजे शिफ्ट शुरू की है, या 8 बजे से आपने काम शुरू करा दिया रात 8 बजे से, तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कितने घंटे बनेंगे, रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कितने घंटे बनते हैं? 9 घंटे बनेंगे, 6 बजे तक ना, 10 घंटे बनेंगे, 10 घंटे बनेंगे, 10 घंटे, 10 घंटे बनेंगे ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जब 10 घंटे बनेंगे, तो अगर हम डे की जो अभी तक जो हमने एक्ट पढ़ा हुआ है, इसमें अगर आप डे के हवाले से चीजें देखें, तो डे की डेफिनेशन क्या है, डे स्टार्ट होता है मिडनाइट से। अब अगर आप 12 बजे के बाद से उसके वर्किंग आवर्स काउंट करें, कितने बन रहे हैं, सुबह 6 बजे अगर उसकी शिफ्ट खत्म हो रही है 6 घंटे बन रहे हैं, 8 बजे शिफ्ट खत्म हो रही है 8 घंटे बन रहे हैं, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम। रात 12 बजे से पहले की उसकी वर्किंग है कितनी है, 10 बजे से काम किया 2 घंटे, 8 बजे से काम किया 4 घंटे, नो ओवर टाइम। तो वो इस तरीके से अगर 8 बजे से लेकर 8 बजे तक 12 घंटे काम कर रहा है, बट ही विल नॉट गेट एनी ओवर टाइम, क्योंकि फिर वहां पर कैलकुलेशन आ जाएगी, भाई ये जो 4 घंटे हैं ये आपके पिछले दिन के हैं, 9 घंटे एक्सीड नहीं किए, देयर इज नो ओवर टाइम। ये घंटे आपके 8 घंटे अगले दिन के हैं, जो अगेन 9 घंटे एक्सीड नहीं कर रहे, देन देयर विल बी नो ओवरटाइम। तो अगर ऐसी चीज होती, ऐसी चीज, ये तो फिर वर्कर के नुकसान वाली बात है ना, वर्कर के नुकसान वाली बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं नाइट शिफ्ट के हवाले से कुछ प्रोविजन लिखी हुई है, आप में से अगर किसी ने पढ़ा हो मुझे रेफरेंस दे दे, ताकि मैं सीधा उधर चलूं, मतलब सर्च करना पड़ेगा मुझे, सर्च करते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, जी सर, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो मैंने आप लोगों के सामने रखा, सिनेरियो क्या था कि अगर नाइट शिफ्ट में आपने काम करा ले, किसी से 12-13 घंटे काम करा ले, लेकिन डे की डेफिनेशन को सामने रखते हुए आप नहीं दे रहे पैसे, तो वर्कर क्या करेगा, परेशान होगा, उस बेचारे ने मेहनत भी की है, 12 घंटे काम के पेमेंट भी नहीं कर रहे, तो वर्कर के हुकूक का तहफ्फुज करने के लिए ये प्रोविजन है सेक्शन 67। अभी 67 में क्या लिखा हुआ है, 67 में 67 में मेंशन है कि जब भी आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, और नाइट शिफ्ट आप कहते ही उसे है जिसमें मिडनाइट आ रही हो,
अगर आप उसे 12 बजे छुट्टी दे रहे हैं ना, तो 12 बजे छुट्टी, 11 बजे 11:30 बजे में छुट्टी दे दी, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज मिड नाइट, वो लेट सेटिंग कह रहेगी, सॉरी वो नाइट शिफ्ट नहीं कह रहेगी, नाइट शिफ्ट उस पर कह रहेगी जब आप ये जो रात के 12 बजे का टाइम है ये टच हो रहा हो। तो जब भी नाइट शिफ्ट है तो इसमें जितने भी उसने काम किया होगा, ये यहाँ से देख लें, द आवर्स ही हैज वर्क आफ्टर मिड नाइट शैल बी काउंटेड टूवर्ड्स द प्रीवियस डे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 26 दिसंबर की, 26 दिसंबर को उसने काम करना शुरू किया था रात 8 बजे, किसी वर्कर ने रात 8 बजे, 26 दिसंबर रात 8 बजे एक वर्कर ने काम करना शुरू किया और उसकी शिफ्ट सुबह 6 बजे ख़त्म होनी थी 27 दिसंबर को। 26 दिसंबर 8 बजे काम करना शुरू किया, 27 दिसंबर सुबह 6 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हो गई, चले 6 बजे का टाइम रख लेते हैं। तो अब ये 8 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम है, ये जो आवर्स हैं, टोटल आवर्स कितने बन रहे हैं, टोटल आवर्स बन रहे हैं ये 12 आवर्स बन रहे हैं, 12 आवर्स बन रहे, कितने बन रहे हैं, 10 आवर्स बन रहे हैं। यस नो, 10 और 10 आवर्स बन रहे हैं। अब ये 10 आवर्स उसका जो भी रजिस्टर बनेगा उसमें, ये 27 दिसंबर की वर्किंग नहीं है, ये वर्किंग उसी काउंट होगी 26 सितंबर की। ये नहीं होगा कि 4 घंटे इस 26 सितंबर में डाल दें, 26 दिसंबर में डाल दें और 6 घंटे 27 दिसंबर में डालें। ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो यही कह रहे हैं कि मिड नाइट के बाद उसने जितना भी काम किया होगा, 6 घंटे काम किया ना हमारे एग्जाम्पल में, तो ये 6 घंटे 27 दिसंबर की वर्किंग में काउंट नहीं होंगे, ये काउंट होंगे 26 दिसंबर की वर्किंग में। अब 10 घंटे होंगे तो 1 घंटे इसको ओवर टाइम देना होगा, और आपको ज्यादा काम कराना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि 9 घंटे की शिफ्ट करें, क्योंकि फिर या तो आपकी शिफ्ट, आपको सुबह 8 बजे दूसरी शिफ्ट शुरू करनी है, इसका मतलब ये है कि या तो शिफ्ट टू शिफ्ट ट्रांसफर करेंगे, उससे पहले आपको खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 बजे शिफ्ट ट्रांसफर करनी है, ये 8 बजे तक काम कर रहा है, तो 9 या 10 घंटे पूरे करने के लिए इसको वर्किंग कब से शुरू करनी होगी, रात 10 बजे से शुरू करनी होगी। रात 10 बजे वर्किंग शुरू करनी है तो फिर एक ट्रांसपोर्ट का मसला है कि 10 बजे उसको बुलाना है, तो 8 बजे या 9 बजे आप ट्रांसपोर्ट चलाओगे उसको बुलाने के लिए, तो मुश्किल है। तो फैक्ट्री से करते हैं कि बुला लेते हैं कि यार आपकी, तुम्हारी जो शिफ्ट है ना वो 10 बजे शुरू होगी या 9 बजे शुरू होगी या 8 बजे शुरू होगी, आ जाना, इधर की ट्रांसपोर्ट बच जाती है। और अगर आप 8 बजे शुरू कराते हो, 9 घंटे 10 घंटे काम कराते हो, सुबह 5 बजे 4 बजे टाइम शुरू खत्म हो रहा होता है, वहां पे ट्रांसपोर्ट कैसे देंगे, या वो खुद कैसे जाएगा, वो भी रुकेगा। तो वो टाइम ऐसा एडजस्ट किया जाता है, जब आप भी शेड्यूलिंग करेंगे तो आपको शेड्यूलिंग में नाइट शिफ्ट के इस तरीके के टाइम कैलकुलेट करना है। इसमें ट्रांसपोर्ट का भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि आपको नॉर्मली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, वरना वो कह देगा वर्कर भाई मैं कैसे आऊंगा, या जरा सा भी कोई स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर के नखरे होते हैं और जेनवन नखरे होते हैं, जब उसे पता है मेरे मेरे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है फिलहाल, तो जो मैं डिमांड करूंगा पूरी होगी, तो ट्रांसपोर्ट में होता है। तो आपको शेड्यूलिंग प्रॉपर करनी पड़ती है। आप 8 बजे से शिफ्ट शुरू कराएं सुबह 6, अब फिर अगर आपने जल्दी शुरू करा दी, फिर अगर उसकी 4 बजे शिफ्ट खत्म हो रही है, वो 3 घंटे बैठ के क्या करेगा, टाइम जाया हो रहा है, आपका टाइम जाया हो रहा है, वो पैसे भी क्लेम करेगा। बहरहाल, इन शॉर्ट ये है कि डे की डेफिनेशन से जो कन्फ्यूजन होती है वो यहाँ पे क्लियर होगी अंडर सेक्शन 67 के, नहीं नाइट शिफ्ट में अलग अलग डेज में उसके वर्किंग आवर्स काउंट नहीं होंगे, प्रीवियस डे में काउंट होगा। प्लस उसका जो 24 आवर का जो पीरियड है, 24 आवर का पीरियड जब उसकी शिफ्ट खत्म होगी, फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हो रही है, अब उसका 24 आवर्स का पीरियड उसके बाद शुरू होगा, 24 आवर्स का पीरियड उसके बाद शुरू होगा। अब उसके बाद अगर वो रात में वर्किंग के लिए आ रहा है, अगेन नाइट शिफ्ट वो कंटिन्यू कर रहा है, तो अब 24 आवर्स अब इससे कितने चलेंगे, अब सुबह 8 बजे से लेकर अगली सुबह 8 बजे तक, तो इस बीच में नाइट शिफ्ट हो गई, अगेन इसका नॉर्मल वर्किंग डेज होगा, वर्किंग आवर्स होगा, 1 घंटा ज्यादा जा रहा है, 1 घंटे का आप ओवर टाइम दे दें। आमतौर पर ओवर टाइम दे देना मुनासिब होता है, या फिर ये करते हैं कुछ लोग कि ओवर टाइम नहीं देते, बल्कि इसको कॉम्पनसेट करते हैं उसमें वीकली आवर्स में, वीकली वीकली आवर्स में एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन जब वीकली आवर्स में अगर कोई एडजस्ट करने की कोशिश करे कि यार तुमसे 4 दिन काम कराया था, तुम्हारे जो वीकली आवर्स है 42 आवर्स बने, ओवर टाइम नहीं बनेगा, तो उसमें फिर वर्कर को आपको ये देखना है कि दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम कराया था, दिन में अगर 9 घंटे से ज्यादा काम कराया था तो फिर ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। सही है, ये नाइट शिफ्ट के हवाले से प्रोविजन थी। इस हवाले से अगर कोई सवाल है तो काइंडली आप लोग पूछ लें, या अगर आपने पढ़ा हो कोई कन्फ्यूजन हो इस हवाले से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नाइट शिफ्ट, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती हैं। एनी क्वेश्चन?
देखें यस नहीं कोई क्वेश्चन रहते, नो तो बोला जा सकता था कि आई शुड मूव फॉरवर्ड। सर नो कंफ्यूजन। ओके अच्छा, इसके बाद 67, 67 से पहले। अच्छा ये मेरे हारे ये वाली चीजें जनरली, ये तो वर्किंग आवर्स की बात हो रही थी। अच्छा एक टेक्स्ट अभी गुजरा था, इसको मैं जरा क्विकली देख लूँ। फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। अच्छा इसमें से जहाँ तक तो मुझे याद पड़ा ना, किसी ने किसी सेशन में पहले कभी ये मैंने तस्करा किया था पिछले सेमेस्टर में इनफैक्ट, कि वुमेन को आप वर्किंग अगर नहीं करा सकते 7 PM या 8 PM के बाद, और अगर आप कराएंगे तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसका एविडेंस यहाँ पर मौजूद है। अब इसमें है क्या लिखा हुआ, आप ही देख लें कि इससे पहले ना ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स की यहाँ पर बात की गई है फैक्ट्रीज में, ना एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन की ओपनिंग सॉरी टाइमिंग से बात की गई है, किसी की बात नहीं की गई है। मेल वर्कर को आप कभी भी काम करा सकते हैं, नाइट शिफ्ट में लगा दें, कुछ भी कर दें। तो फीमेल वर्कर्स का ये है कि फीमेल वर्कर्स के हवाले से कह जाएगा कि सुबह 7 बजे से पहले नहीं बुलाएंगे आप, और 7 बजे के बाद आप उन्हें रोकेंगे नहीं फीमेल वर्कर्स को। और अगर 7 बजे के बाद रोकना पड़ रहा है तो आप 10 बजे तक रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 बजे के बाद और 10 बजे तक रोक रहे हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ने जो उनके घर के दरवाजे पर छोड़े, या बिल्कुल करीब तरीन जो पॉसिबल पॉइंट है, तंग गली है गाड़ी अंदर नहीं जा सकती तो कम से कम गली के कोने तक आप छोड़ें, ये जिम्मेदारी है। तब इस जिम्मेदारी को लेते हुए आप 10 बजे तक फीमेल वर्कर से काम करा सकते हैं, अदरवाइज नो। तो आमतौर पर ये होता है कि 7 बजे की शिफ्ट कराते हैं तो वर्किंग आवर्स इस तरीके से रखते हैं कि 5 बजे अगर वर्किंग खत्म हो रही है, 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करा के 7 बजे फीमेल वर्कर को फारिग कर दो, मेल वर्कर्स को रोक लो, उन्हें फिर ट्रांसपोर्ट, उन्हें फिर कैश उनके इधर उधर छोड़ देंगे, खुद चले आना, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, फीमेल को आप नहीं करेंगे। इससे पहले जो रूल्स थे, पुराने जो रूल्स थे उसमें 7 PM लिमिट थी, 7 PM के बाद आप काम नहीं करा सकते थे। अब ये रिलैक्सेशन है 10 PM, लेकिन इसके कंडीशन इसके साथ है ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे हो तो फिर आप वुमेन से काम नहीं कराएंगे। अच्छा इसमें यहाँ पर हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग अपने LMS पे जाके लॉग इन कीजिएगा, एक दो छोटी छोटी सी चीजें, इस दफा टेक्स्ट बेस्ड है, MCQ मैंने नहीं रखे, MCQ नहीं रखे, टेक्स्ट बेस्ड है। टाइप आपको कुछ चीजें करने की, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, अटेम्प्ट कर लेंगे, अटेंड स्पेसिफिक काउंट है कि सही गलत को छोड़े, तो काइंडली आप ना अटेम्प्ट करें, इसके हवाले से जो भी चीजें होंगी फिर मैं इसको देखता हूँ कि क्या सिलसिला होता है। श्योर सर। मैं अभी रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, फिर 10:51 पे मैं रिकॉर्डिंग और सेशन रिज्यूम करूंगा, बाकी इस दौरान में अगर किसी को कोई चीज़ डिस्कस करनी है कोई अटेम्प्ट करने के बाद, इस 5 मिनट में फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके सो अब हम अपना डिस्कशन रिज्यूम करते हैं। अच्छा कोई और क्वेश्चन है किसी किस्म का? सही। अच्छा हम क्या डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले? सर एक सवाल है। जी 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 सर, सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल बाज दफा जो है कंपनीज की अगर मैं बात करूं ऑफिसर लेवल पे, वहां पे जो है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही होती है और वो लेट नाइट ही होती है, तो मतलब 9 बज जाते हैं अक्सर, जैसे मार्केटिंग वालों के साथ हो रहा होता है, तो फिर उस कंडीशन में फिर क्या होगा, वो क्या वो ओवर टाइम में शुमार होगा? देखिए इसमें हमें पहले देखना पड़ेगा कि जिसकी आप बात, जैसे अभी मार्केटिंग वालों की बात करें ना, क्या वो वर्कर हैं या एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। ये जो एक्ट है, दिस एक्ट इज ऑल अबाउट वर्कर्स। एम्प्लॉय के लिए हमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस देखना पड़ेगा, वो अभी कंक्लूड कर, कल कंक्लूड हो जाएगा, इवनिंग में सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। जब एम्प्लॉय में जाते हैं वहां पर भी यही रूल्स हैं, यही 9 घंटे हैं इन अ डे ओवर टाइम की, यही कैलकुलेशन है। और वहां पर एक दो चीजें और अच्छी लिखी हुई है कि आवर्स ऑफ वर्क का मतलब यह है कि ड्यूरिंग आवर्स ऑफ वर्क आपका जो एम्प्लॉयर है आपसे काम ले सकता है, आप उसके डिस्पोजल पर हैं, और जो पीरियड ऑफ वर्क है वो आपका वर्क है। तो ये वाली जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसमें अगर आप ओवर टाइम, अब इसमें होता है एक गुडविल वाली बात होती है ना, अगर आपने ओवर टाइम मांगा तो ओवर टाइम पर आवर के लिहाज से कैलकुलेट होगा, तो जो अभी आप लोगों ने कैलकुलेशन देख ली है जो शायद कुछ भी ना हो,
अगर आप ओवर टाइम नहीं क्लेम करते, हो सकता है उसके अगेंस्ट में ओवर टाइम ही दे रहे हैं, आपको कॉम्पनसेशन कर रहे हैं, आपको अलाउंसेस दे रहे हैं, लेट सेटिंग अलाउंस मिल गया, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल गया, या कुछ इस तरीके की चीजें हो गई हैं, कुछ नहीं तो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन बाय लॉ अगर अब बाकायदा बाकायदा किसी ऑफिस सेटिंग में, ऑफिस एनवायरमेंट में बिठा के काम कराया जा रहा है, देन यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द ओवर टाइम। लेकिन अगर ट्रेवलिंग है तो ट्रेवलिंग में कहीं जा रहे हैं, किसी से विजिट कर रहे हैं, मतलब जो आउट ऑफ ऑफिस आवर्स कॉन्टेक्ट होते हैं, आपको इससे मीटिंग करनी है, हाँ यार इस होटल में मीटिंग अरेंज हो गई है, वो आपके ऑफिस टाइम नहीं लेकिन आप काम कर रहे हैं, तो उनके आमतौर पर ओवर टाइम होता नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाई बुक चल रही होती है, दे मे गिव यू ओवर टाइम, लेकिन फिर वो सिर्फ ओवर टाइम ही देंगे, बाकी कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाकी बेनिफिट इसमें मैंशन नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा, बिल्कुल नहीं है बेनिफिट्स। घर जाना है अपने ट्रांसपोर्ट पर जाओ या हमारे ट्रांसपोर्ट का वेट करो, सब ठूंस के जाएंगे, या ये लो 500 रुपये वाउचर टैक्सी में चले जाओ। तो बाय लॉ ओवर टाइम मिलना चाहिए, लेकिन फिर ये देखा जाएगा कि ओवर टाइम कम है तो फिर दूसरे अलाउंस से दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाए, ठीक है, ये विन विन सिचुएशन की तरफ। सर मुझे एक बात पूछनी थी। जी सर, ये जो हमने अभी आपने बताया कि प्रोविडेंट फंड का 10% का और पेंशन का 35% का, ये सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए है, जो बैंक वगैरह की जॉब्स होती हैं उनके लिए भी ये? नहीं, पेंशन का मैंने 35% नहीं बोला था, मैंने 50 एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि शायद 70% ऑफ द बेसिक पे जो आपकी आखिरी है उसका पेंशन होता है, वो 50,000 से हमने कैलकुलेट किया था तो वो 35,000 बन रहा था, ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि पेंशन की जो कैलकुलेशन है, पेंशन की कैलकुलेशन इस वक्त जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही अब पेंशन मिल रही है, अक्सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन का प्रोविजन ख़त्म कर दिया, और गवर्नमेंट भी मोस्ट लाइकली ये 21 का जो बजट आ रहा है इसमें पेंशन ख़त्म कर दें, क्योंकि पेन पेंशन कमीशन मार्च 2020 का बना हुआ, उनकी यही रिकमेंडेशन आने वाली है, वो बजट में आ जाएंगी, तो पेंशन मोर लाइकली वो ख़त्म हो जाएगी, उसी जगह कुछ और आ जाएगा। आप लोग, हम लोग जब प्राइवेट में काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट में देर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन एज ऑफ टुडे, कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि पैसे ज़्यादा जा रहे होते हैं, वो नॉन प्रोडक्टिव उसमें वर्किंग में जा रहे हैं ना, नॉन प्रोडक्टिव है। आपका एम्प्लॉय था, ठीक है, उसने काम किया, अभी थोड़ा वो संग दिलाना बात है, लेकिन बस ठीक है, ऐसा ही है, पैसों के मामले में ऐसे ही होता है। आपका एम्प्लॉय था, उसने काम किया, जितना उसने काम किया आपने उसको पे कर दिया, आपने प्रोविडेंट फंड भी दे दिया, आपने ग्रेजुएटी भी दे दी, अब 60 इयर्स के बाद आप उसे पेंशन दे रहे हो, ठीक है, 2 साल 3 साल 5 साल उसकी 70 इयर्स की एज हो गई, आप 20 साल उसे एक्स्ट्रा का पेमेंट दे रहे हो जिसका वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब जितनी आपने तनख्वाह नहीं देती उससे ज्यादा की आपने पेंशन दे दी है। तो ये चीजें ये गवर्नमेंट लेवल पे सोची जा रही है, इस वजह से पेंशन को खत्म करने का सिलसिला हो रहा है। तो हम और आप जब प्राइवेट में काम कर रहे थे तो हमें पेंशन नहीं मिली थी, लेकिन पेंशन बड़ा सहारा होता है, तो मुख्तलिफ किस्म के पेंशन फंड होते हैं, हम इसको क्यों नहीं सोचते, हम अभी से हम किसी और का इंतजार क्यों करें। मुख्तलिफ पेंशन फंड हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं, अगर आप इस्लामिक की तरफ जाएंगे तो अलमीज़ान की हैं, और मुख्तलिफ बैंक हैं जो कि पेंशन फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सोचना है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि होराइजन ब्रॉड रखना चाहिए, और हमें सैलरी के अलावा दूसरे बेनिफिट्स हैं उनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़रा क्लियर हो। अच्छा, अब सिलसिला ऐसा है कि ओके सर, मीटिंग के रह गए हैं 5 मिनट्स हार्डली, और टॉपिक आधा भी कवर नहीं हुआ है जो कि हमने सोचा था, सिर्फ वर्किंग आवर्स ही चल रहे हैं, हॉलीडेज की तरफ हम गए ही नहीं हैं। तो इसके बाद 11:30 पे आप लोग की क्लास है, मुझे काइंडली अपडेट कर दें ताकि फिर मैं उसी लिहाज से प्लान करूँ। मुझे अपडेट कर दीजिए कि 11:30 पे आप लोग की शेड्यूल क्लास है या आज नहीं है, ताकि फिर मैं उसी लिहाज से प्लान करूँ, सेशन क्लोज करूँ या कंटिन्यू करूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 11:30 पे आप लोग की शेड्यूल क्लास है या नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है शायद मेडिसिनल केमिस्ट्री की क्लास है, मुझे सिर्फ कंफर्म कर दें ताकि फिर मैं, क्योंकि अभी कोई भी डिस्कशन होता है ना, सर मेडिसिनल केमिस्ट्री की नहीं है क्लास, नहीं है, तो अगर मैं अभी इस मीटिंग को क्लोज करके लिंक शेयर करूँ 20-25 मिनट्स के लिए, पॉसिबल है आप लोग के लिए, कोशिश करो कि 11:30 पर ही क्लोज कर दो, ठीक है, मैं इसे यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ।
क्योंकि अभी कोई भी चीज डिस्कस हो नहीं सकती। 3 मिनट से कोई और सवाल है तो वो सवाल कर लें, फिर मैं नया लिंक शेयर कर लूंगा। कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ओटी ओवर टाइम जो लेते हैं सर, मोस्टली वो जब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पे खपत ज्यादा होती है जब लिया जाता है, या फिर नॉर्मली वो लोग ओवर टाइम को प्रेफर करते हैं वर्कर्स के लिए? देखें ओवर टाइम, देखें ये अलग खर्चा है, सैलरी तो वर्कर को जा रही है ना, उससे अलग ये खर्चा है। तो मैनेजमेंट पूरी कोशिश ये करेगी कि ओवर टाइम ना देना पड़े, और वर्कर के लिए चार्म ही ओवर टाइम है। वो समटाइम्स दे गेट 50% ऑफ द सैलरी एज ओवर टाइम, तो वो हर किस्म की कोशिश करते हैं वर्कर। वर्कर मेंटेलिटी बिल्कुल अलग चीज़ होती है, वो मशीन बंद कर देगा, एक स्क्रू निकाल के बैठ जाएगा, उसे पता है काम किस तरह होता है किस तरह नहीं होता। 4 बजे सारी मशीनें चलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि अब ओवर टाइम में ही काम होगा। अगर आप स्मार्ट हैं आप कर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ लेबर यूनियन स्ट्रांग होती है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये हार्श रियलिटीज हैं। तो उसमें अब ये सिलसिला है कि ओवर टाइम है वर्कर्स के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट में इन्वॉल्व हैं आपको ओवर टाइम मिलेगा। कभी ऐसा होता है कि फैक्ट्री वाले सोचने कि यार ट्रांसपोर्ट हम दे रहे हैं, मेजॉरिटी वर्कर्स ओवर टाइम पर रुके हुए, बाकी स्टाफ को हम भेजेंगे जो क्लेरिकल स्टाफ होगा उसे भेज देंगे, तो अलग से ट्रांसपोर्ट चलानी पड़ेगी, फिर वर्कर्स के लिए अलग ट्रांसपोर्ट चलानी पड़ेगी। छोड़ो, सबको रोक लो, ओवर टाइम दे देना। अब ओवर टाइम के लिए रोको तो फिर आप एक्स्ट्रा काम ले लो, फिर जब ओवर टाइम प्लान होता है तो फिर काम भी फिर लिया जाता है, और फिर आप चूं भी नहीं कर सकते। इसी लॉ में आगे कहीं लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन टू वर्क ओवर टाइम, कि ओवर टाइम करना है। ओवर टाइम के लिए अगर कहा जाएगा ओवर टाइम हर वर्कर कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डिपेंड करता है ना, एक बंदा है वर्कर है, वो कहता है कि इस जगह पर इस टाइमिंग मतलब मैं वर्कर के तौर पर काम करूँ, मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे, मैं यहाँ से छुट्टी करके जाऊँगा, मैं कोई ट्रांसपोर्ट कर लूँगा, मैं रक्षा चलाऊंगा, उबर करी में कुछ ना कुछ कर लूँगा, या किसी और फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम कर लूँगा, या किसी होटल में काम कर लूँगा, वो ओवर टाइम प्रीफर नहीं करेगा। लेकिन अगर वो स्किल्ड बंदा है उसके बगैर काम में काम मुतासर होगा, आप उसे रोक लेंगे कि भाई ओवर टाइम में रुकना है, काम करना है, राइट है, एम्प्लॉयर रोक सकता है, नहीं तो ठीक है फिर आप जाओ, फिर हम किसी और से काम करा लेंगे। मना करने का सिलसिला नहीं बनता, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज होती है, ठीक है। लास्ट मिनट अभी कोई भी चीज कंटिन्यू हो नहीं सकेगी, मैं इसे एंड कर रहा हूँ, और आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ द न्यू सेशन।